बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज हम अपने चैनल पे बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल आलू की टिक्कियाँ, बहुत ही मज़े की बनती हैं। आलू हमने बॉईल कर लिए, इसका छिलका उतार लिया, इसे गरम गरम हम मैश कर लेते हैं एक मैशर से। इसमें हमने फ्रोज़न की हुई ये गाजर जो है ये डाल रहे हैं, मकई के दाने ये भी फ्रोज़न है, सब्स मटर ये भी फ्रोज़न ही है, निकाले हमने जो इसमें शामिल कर देंगे। दो आदद मैंने सब्स प्याज ले लिए, उस तरह काट लिए, वो इसमें शामिल कर देंगे। सुरख कलर की हमने शिमला मिर्च ले लिए, वो छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और सब्स कलर की हमने मिर्चें ले लिए चार अदद, काट लिए। एक हमने बड़ा प्याज ले लिए, वो भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए इसके। बस धनिया ले लिए, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। एक टेबलस्पून हम इसमें कॉर्न स्टार वो शामिल करें। गोल्डन हमने ब्रेड क्रम लिए तीन टेबलस्पून, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मसालों में हमने ले लिए नमक 1 टीस्पून, ये दली हुई मिर्च 1 टीस्पून, और चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कड़ी पाउडर 1 टीस्पून, और ये साबा ज़ीरा ले लिए 1 टीस्पून, और पपरिका पाउडर 1 टीस्पून। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून हमें इसमें ज़ैतार वो शामिल कर रहे हैं, और काली मिर्च 1 टीस्पून, और आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर जो बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है, अब हम एक जैसे जो है कबाब तैयार कर लेते हैं। इस तरह हम सारे जो अपने कबाब वो तैयार कर लेंगे। ये सारे कबाब हमने इस तरह तैयार कर लिए, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अंडे लिए हमने, इनको अच्छी तरह से हमने फेंट लिए। अब एक एक कबाब को उठा के इस तरह डिप करेंगे, तेल हमारा जो गर्म हो चुका है, इस तरह फ्राई करते जाएंगे। एक साइड से हमारे कबाब जो पक चुके हैं, दूसरी साइड से हम टर्न कर लेंगे। ये बिल्कुल हमारे फ्राई हो चुके हैं, अभी उतार लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी है हमारी मिक्स वेजिटेबल आलू की टिक्कियाँ, और अंदर से भी हम आपको तोड़ के दिखाएंगे कैसे नरम बनी है चटनी के साथ, ज़बरदस्त लगती है। आसान सी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है, बहुत जल्दी आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होता है, कोई मेहमान आ जाए कुछ भी आपने बनाना हो तो जल्दी से बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।